हाँ कैलाश जी, जिला परिषद सदस्य कोटड़ा उदयपुर। उदयपुर, आप आज आपने चिकित्सालय में दौरा किया, तो आपने क्या स्थिति पाई वहाँ पे? वहाँ पर एक डिलीवरी हुई थी जो 13 तारीख को डिलीवरी हुई थी, नया वर्ष के थे, और डिलीवरी होने का होते ही उनसे 500 रुपये लिए गए। 500 लेने बाद फिर आज उन्होंने बताया कि 100 रुपये और छुट्टी लेने के लिए मांग रहे। मैंने कहा किस बात का मांग रहे पैसा, जब सरकार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पैसा दे रही है, और ये पैसा किस बात का मांग रहे? तो वो बताया गया कि कंपाउंडर आया था और कहा डॉक्टर साहब को हमारे देने पड़ते ऊपर। अच्छा, डॉक्टर साहब को ऊपर देना पड़ता है पैसा, इसलिए हम वो ले रहे हैं, और आप नहीं दोगे तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने 100 रुपये के लिए जैसे बोला तो मैंने वहाँ रोक लिया। फिर मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ कोई धनी धोरी नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था। अच्छा, मैंने कर्मचारी से पूछा तो कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब तो यहाँ रहते नहीं, मीटिंगों में रहते ही हूँ। अच्छा, और उनकी कितनी मीटिंग होती है भगवान जाने, या ऊपर वाले जाने, या डॉक्टर साहब जाने। डिप्टी CMHO यहाँ कभी सर्विस देता नहीं है। मैं कम से कम ये 5वीं बार आज बोल रहा हूँ। कल भी मैंने कंप्लेंट की थी कि 2 डेंगू के मरीज आए थे, तो उनको मैंने गुजरात रेफर किया, मेरे खुद की निजी गाड़ी से। अच्छा। मैंने अपने स्तर से व्यवस्था करके जो मैंने गुजरात में इन्होंने रेफर कर दिया, या जो भी पेशेंट आता उसको सीधा रेफर करते हैं। अब ये गरीब जनता कहाँ से रेफर करके जाएंगे, उदयपुर जावे या कहीं गुजरात जावे, तो उनके लिए पैसा कहाँ से लावे? तो यहाँ पर एम्बुलेंस की ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? एम्बुलेंस सारी खराब पड़ी है, ना ड्राइवर है ना एम्बुलेंस है। जो ड्राइवर था उसको भी भेज दिया। अच्छा, उसको भी भेज दिया। और एम्बुलेंस के लिए कभी बजट मांगते नहीं। हमने एम्बुलेंस देने के लिए मांग की तो CMHO ने बोला, CMHO से मेरी बात हुई थी खराड़ी साहब से, तो कहा था मैं एक गाड़ी दूसरी देता हूँ, तो डिप्टी CMHO ने बिल्कुल मना कर दिया। ना था हमें ड्राइवर की जरूरत है, ना गाड़ी की जरूरत है। गाड़ी की जरूरत है। और अंदर की व्यवस्था कैसी, बेड कोई? अंदर इतनी गंदगी हो चुकी है, पिकदान लगाई नहीं है जरा ही, जो भी है। अब यहाँ के गरीब लोग है, आदिवासी अनभिज्ञ है, ट्राइबल एरिया है, तो वो कहीं भी थूक लेते हैं। पिकदान के अगर डब्बे रखे होते हैं तो डब्बों में थूकते हैं। अब वो सारी दीवार है, मैं कल फोटो खींच के लाया हूँ। लेकिन अब बात किससे करें, यहाँ का मालिक ही नहीं, यहाँ का अधिकारी यहाँ रहता नहीं, यहाँ का अधिकारी घूमता रहता है, यहाँ के अधिकारी जिले में घूमते हैं। अच्छा, यहाँ पे रहते ही नहीं है? यहाँ कभी नहीं रहते। मैं 5वीं बार गया हूँ आज, अभी अभी इसी महीने में। ठीक सब, धन्यवाद। और गंदगी इतनी फैला रखी है, और ना गांव में भी इतनी गंदगी हो गई, ना तो डीडी पाउडर डाला है, और ना ही इन्होंने फॉर करा है। ठीक, हर घर में मच्छर हो रहे, हर पंचायत में, यही समस्या। ओके, धन्यवाद।